Bismillahirrahmanirrahim, dear students, assalamu alaikum. Aaj hum PSY409 positive psychology ka short lesson number 20 ka aagaaz karenge. To lesson number 20 ka naam hai positive development across the lifespan, resilience ya resilience. Positive objectives ko main discuss nahi karunga is lesson ke. Main direct aata hu life enhancement stages, matlab ke zindagi mein tarakki ke liye hikmat amli kya kya ho sakti hain. तो ज़्यादा सब्जेक्टिव वेलबिंग जाती कोशिश मतलब के जाती कोशिश और उसको कौन हासिल करने के लिए ना इन मंदरजा ज़ैल जो है ना ये पॉइंट्स इन पर अमल किया जा सकता है. सबसे पहले रिलेशनशिप रिलेशनशिप मतलब के रिश्ते इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि अपने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल मतलब कि कैसे आप मुश्किलात और कामयाबी को समझते हैं. पहले ये समझे जो फैमिली सक्सेस और फेलियर पर असरअंदाज हो सकते हैं. उसके बाद हम अहम रिश्तों में ना बेहतरी के लिए ना गोल सेट करें और उन तक पहुंचने का रास्ता और रिसोर्सेज भी ढूंढें. नंबर टू पे ये बताया गया. उसके बाद है वर्क. वर्क में नंबर वन पॉइंट पे कुछ हिस्सा से बताया गया कि बेहतरीन का इंतज़ार करें और ऑप्टिमिस्टिक सोच को ना बढ़ाएं. और नंबर टू पॉइंट पे बताया गया है वर्क के अपनी एनर्जी छोटी छोटी गोल्स पर ना फोकस करें ताकि स्टेप बाय स्टेप कामयाबी हासिल करें. प्ले प्ले में बताया गया कि टीवी पर आने वाले मैसेजेस नोट करें जो आपकी सेल्फ एफिकेसी मतलब कि अपने आप पर यकीन को बढ़ा देने के लिए काफ़ी हो आपके लिए. उसके बाद है रेजिलियंस हेल्थी एडजस्टमेंट टू डिफिकल्ट चाइल्डहुड मतलब कि मुश्किल जो है ना वो बच्चों में हेल्थी एडजस्टमेंट कैसे हो पाती है इस हवाले से बताया गया कि पहली जो थ्योरी थी पहली थ्योरी का ये असर था कि अगर कोई बच्चा गरीब या ख़राब घराने में मतलब कि पुअर घराने में पैदा हुआ है बड़ा हुआ है तो उसका ना एडल्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कमज़ोर होगा. मगर रिसेंट रिसर्च ने यह साबित किया है कि मुश्किल इन्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का वजह बने. स्टडीज कंसिस्ट हैं इस बात पर कि कुछ बच्चे ना जो गरीबी मतलब कि गरीबी वालदैन के बेपरवाही या पेरेंट के साइकोलॉजिकल बीमारियां मतलब कि अब्यूजिस या जंग के दरमियान बड़े होते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह ना एडजस्ट कर लेते हैं और एज एडल्ट्स बिल्कुल ठीक ही होते हैं. मगर ये फाइंडिंग्स ये नहीं कहती कि पहले फैमिली इन्वायरमेंट अहम नहीं होता. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये सिर्फ दिखाता है कि कुछ बच्चे ना मुश्किलात के दौर में एडजस्ट करना सीख लेते हैं और इनका इतना असर नहीं होता. गार्मेजी 1984 में ना गार्मेजी और मेस्टर्न और टेलीगन ने 11 साल के बच्चों का ना केस बयान किया है जो गरीब घर से थे और जहाँ उसका बाप अल्कोहलिक था माँ परेशान थी भाई जो था वो मुजरिम थे और घर के ना दूसरे मेंबर्स भी ना स्पेशल नीड्स के शिकार थे. इसके बावजूद स्कूल के प्रिंसिपल्स इस बच्चे के एक अच्छे एथलीट मतलब के तहजीब याफ्ता और ब्राइट स्टूडेंट्स के तौर पर ना डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट्स को या उस बच्चे को. उसके बाद है व्हाट इज साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मतलब के नफसाती रेजिलियंस क्या हो सकती हैं. तो पहली सोच ये कि इंसान सिर्फ उन चीज़ों का ना रिएक्शन देता है जो उसके साथ होती हैं. मगर न्यू या नए नज़रिया ये कहता है कि इंसान अपनी तरक्की के एक्टिव हिस्सा होता है. वो आने वाली मुश्किलात का ना पहले से तासुर मतलब के पहले से ना वो सोच लेता है उनका सामना करने की तैयारी कर लेता है. नफसियाती रेजिलियंस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है. एक शख्स ये सलाहियत रखता हो कि वो स्ट्रेसर मतलब कि ज़बरदस्ती के असरात को बर्दाश्त करे और किसी नफसियाती खलल मतलब कि मेंटल इलनेस या मुसलसल नेगेटिव मूड का शिकार ना हो. इससे एक शख्स की सलाहियत भी कहा जा सकता है जो कि मुश्किल हालात के बावजूद ना वो नफसियाती बीमारियों से बचा रहे. रेजिलियंस का ख़ास तौर पे ना मतलब होता है कि एक ऐसा फिनोमेना जो कि एक दर्जा या पॉजिटिव एडेप्टेशंस मतलब कि अच्छा एडजस्टमेंट को दिखाता है जब इंसान बहुत बड़ा या बहुत बड़े खतरे या मुश्किल का सामना करता है और ये 2002 में ना मास्टरन एंड रीड ने कहा था. उसके बाद था व्हाट इज गुड एडेप्टेशंस मतलब के अच्छी एडजस्टमेंट क्या है.
रेजिलियंस का रिसर्चर से रेजिलियंस का रिसर्चर से इस बात पर मुतफिक नहीं है कि बाउंस बैक करके ना वापस किस तरह किस स्टेट में ना आए। रेजिलियंस बच्चों की पोस्ट थ्रेट फंक्शनिंग को दिखाता है। रिसर्चर से ये भी मालूम हुआ है या रिसर्चर ये भी मालूम करते हैं कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग जैसे कि डेवलपमेंट के माइलस्टोन को ना दोबारा हासिल करते हैं और ये वो अपनी एज के दूसरे बच्चों से ज़्यादा फंक्शनिंग दिखाते हैं। इसके अलावा गुड अडेप्टेशंस जो होती है ना गुड अडेप्टेशंस के हवाले से रेजिलियंस का रिसर्चर ये भी समझाते हैं कि एक्सटर्नल अडेप्टेशंस मतलब कि जो समाजी तलीम और रोज़गार के तवक्कात पर जो होती है उनको पूरा करने ज़रूरी है ताकि मालूम हो सके कि कौन रेजिलेंट है। मगर कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि इस बात पे इख्तलाफ भी रखती है कि इंटरनल अडेप्टेशन मतलब कि पॉजिटिव साइकोलॉजी वेलबींग भी ज़रूरी है या नहीं है। उसके बाद है वेनर स्टडीज 1995। तो वैन ने ना अपनी कुलीग रूथ स्मिथ के साथ ना 1992-1982 में ना वैन और स्मिथ ने ना मिलकर ना एक रिसर्च की थी 700 बच्चों के ऊपर। एक ग्रुप पर की गई थी 700 बच्चों के ग्रुप पर जो कि कोई आइसलैंड मतलब के हवावे में 1955 से लेकर 1995 के दरमियान ना पैदा हुए थे। इन बच्चों और उनके वैल्डन जिन मतलब कि जिनमें से बहुत से सर्जन प्लांटेशंस पर काम करते थे ना तो इन बच्चों से ना ही साइकोलॉजिकल डाटा ना इकट्ठा किया गया था। और बच्चों में से एक हिस्सा यानी एक थर्ड ऐसे बच्चे थे जो एकेडमिक और सोशल प्रॉब्लम्स के लिए ना हाई रिस्क पर थे। इसी वजह से ना इस घर के या इसकी इसी वजह से घर के ना अंदर के बुरे हालात थे जैसे कि गरीबी होना या वैल्डन का अल्कोहलिज्म मतलब कि शराब वगैरह पीना और डोमेस्टिक वायलेंस मतलब के अब्यूज लैंग्वेज वगैरह यूज़ करना। उसके बाद है कोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिलियंस चिल्ड्रन मतलब के रेजिलियंस बच्चों की बुनियादी खसूसियात। तो इसमें सबसे पहले इस तरह से बताया गया कि 1995 में ना वार्नर ने ना कुछ ऐसी बुनियादी क्वालिटीज का जिक्र किया है जो रेजिलियंट बच्चों में आमतौर पर पाई गई है। सबसे पहले है नंबर वन पे जो है वो न्यूचरिंग सरोगेट पेरेंट का पेरेंट फाइंड हुआ है। तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है नंबर फर्स्ट में के सबसे पहले स्टेप ये था कि बच्चे ना अपने मेंटली डिस्टर्ब वैल्डन से ना इमोशनली अलग हो जाते हैं मगर सिर्फ अनहेल्थी रिश्तों से दूरी बनाना काफ़ी नहीं होता। इन्हें एक और इंसान को ढूंढना पड़ता है जो इन्हें पेरेंट की तरह केयर और सपोर्ट दे सके। अक्सर इन बच्चों में ना एक एक्टिव एफेक्शनेट और गुड नेचर जो है ना टेम्परमेंट होता है जो लोगों के ना अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से इन टीचर्स या रोल मॉडल्स भी ना मिल जाते हैं जो इन्हें सपोर्ट करते रहते हैं। तो अक्सर बच्चे फिर इसी वजह से दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो अनहेल्थी जो साइकोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनकी वजह से दूसरी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद नंबर टू पे है अच्छी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह मतलब कि गुड सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर पॉइंट बताया गया है। तो ये जो बच्चे होते हैं ना सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में ना अच्छे होते हैं और कम से कम एक करीबी दोस्त जरूर होता है इनका और लोग जो दूसरों की मदद करने और दूसरों के ख्याल रखने की भी कोशिश करते हैं। नंबर थ्री पे है क्रिएटिव आउटलेयर्स एक्टिविटीज मतलब के क्रिएटिव आउटलेयर्स और हॉबीज वगैरह होना बच्चों के अंदर। मुश्किल दौर में ना इन बच्चों के पास कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ होती है जिन्हें वो फोकस करते हैं। इन एक्टिविटीज़ में कम्पिटेंस मतलब के इन्हें एक सेंस ऑफ प्राइड और मिस्ट्री का एहसास देती है। और नंबर फोर पे है ऑप्टिमिजम्स एंड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि बच्चे ना समझते हैं कि ज़िंदगी किसी ना किसी तरह ना अच्छी हो जाए और बच्चों में एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होता है और वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही वो जब ज़रूरत होती है ना दूसरों से मदद मांग लेते हैं। उसके बाद लास्ट में है रिलीजियस बिलीफ। बच्चों के घर वालों के ना रिलीजियस बिलीफ होता है जो मुश्किल वक्त में ना इन्हें ज़िंदगी का मकसद और स्ट्रेंथ फ्राहम कर देता है। तो रिलीजियस बिलीफ ना बच्चों को भी स्ट्रेंथ फ्राहम कर देता है जो उनके घर वालों की तरफ से होता है। उसके बाद है प्रमोटिंग रिजिलियंस अक्रॉस जेंडर
1995 में वार्नर ने ये पेश किया था। तो वार्नर ने यह भी कहा था कि रेजिलियंस को ना प्रमोट करने वाले ना फैमिली फैक्टर्स लड़कों और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ होते हैं। नंबर वन पे जो है ना ये है कि रेजिलियंस बॉयज के अंदर ना मतलब कि लड़कों के लिए जो ऐसे लड़के जो रेजिलियंट बॉय हैं तो ऐसे इनके इनके लिए ना ऐसे घर जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं ना जहाँ रूल्स का एहसास होता है, एक मेल रोल मॉडल होता है और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस को ना इंकरेज किया जाता है। जबकि रेजिलियंट गर्ल्स जो होती हैं ना लड़कियों के लिए ऐसा घर जरूरी होता है जो रिस्क टेकिंग और इंडिपेंडेंस को प्रमोट करें और इन्हें एक बड़ी उम्र की फीमेल से ना रिलायबल सपोर्ट मिले। उसके बाद है स्टडी बाय ई जे एंथनी 1987। इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि ई जे एंथनी ने ना 300 बच्चों को ना फॉलो किया था, मतलब कि रिसर्च की थी, जिनके वैल्डन शिजोफ्रेनिक थे और 12 साल तक रिसर्च की इन्होंने। और इन्होंने देखा कि इन बच्चों में ना 10% बहुत अच्छी तरह से एडजस्टमेंट हो गए थे, ये बच्चे जो जिनके पेरेंट्स शिजोफ्रेनिक थे। उसके बाद हालांकि इनके घर के ना हालात अजीब और गरीब थे, एंथनी ने ना ये भी कहा कि बच्चे इस वजह से एडजस्ट कर पाए क्योंकि वो अपने शिजोफ्रेनिक वैल्डन से ना इमोशनली अलग हो गए थे, जो कि ना अटैचमेंट थ्योरी के खिलाफ है। उसके बाद है 2000 साइबिल एंड वोलिन। इन्होंने कहा था कि साइबिल और वोलिन ने कहा कि साइबिल और वॉली ने ना कई एडल्सेंट के इंटरव्यूज किए थे, मतलब कि जो एडल्सेंट पर्सन थे उनके इंटरव्यूज किए थे और कुछ खसूसियात आइडेंटिफाई की थी जो रेजिलियंट एडल्ट्स में होती है। इन करेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज बनाने के लिए ना सुजेस्ट किया था। सबसे पहले है इनसाइट, उसके बाद इंडिपेंडेंट, गुड रिलेशनशिप और भी इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी और गुड और मॉरल स्टैंडर्ड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताएं। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लास फॉलो के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों के साथ इस कोर्स में कामयाब करें, जो भी स्टूडेंट्स कोर्स में इनरोल्ड है और वीडियो वॉच कर रहा है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।